हे हाय एंड हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं एपिसोड सेकंड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, आप लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बट उन्हीं दोस्तों को शेयर करना जिन्हें खेल ड्रामास देखना पसंद है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड टू की स्टार्टिंग में हम सैक और सारान को देखते हैं जो मुंह के क्लब में लुक चेंज करके जाते हैं, बट उन्हें वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हम सोंगलिन को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड सीसी के साथ मार्केट में होती है, जहाँ उन्हें सोमबन दिखता है जिसका सीसी पर क्रश है। सोमबन गरीब लोगों में फूड डोनेट कर रहा होता है। सोमबन सिसी को एक जॉब ऑफर देता है बट वो मना कर देती है और रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। सोंगलिन सिसी को कहती है कि तुम सोमबन को एक चांस क्यों नहीं देती, वो काफ़ी अच्छा लड़का है। बट सिसी कहती है कि वो एक फैक्ट्री वर्कर है और सोमबन काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और हम दोनों बहुत अलग हैं। सीसी और सोंगलिन बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सारान आता है और उनके साथ बैठ जाता है, जिसे देखकर सोंगलिन वॉज लाइक, तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट किया। यहाँ पे सोंगलिन को चिढ़ता देखकर सीसी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, सारान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से बैठो और तुम यहाँ न्यू हो ना, सोंगलिन तुम्हें यहाँ घुमा देगी। और ये बोलकर वो वहाँ से बहाना करके भाग जाती है और सोंगलिन वॉज लाइक, ये मेरी फ्रेंड है या फिर सारान की। शीशी के जाने के बाद सारान सोंगलिन से कहता है कि वो मुंह के केस में उसकी हेल्प करे, जिस पे सोंगलिन मान जाती है और अपनी फ्रेंड की हेल्प से लुक चेंज करती है। बट सोंगलिन की फ्रेंड उन्हें एक कपल बनकर जाने को कहती है, जिस पे सोंगलिन मना कर देती है। सारान उसे पैसे देने को बोलता है। पहले तो सोंगलिन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पैसे मुझे खरीद सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बट देन वो काफ़ी सारे पैसों का ऑफर सुनकर वो सारान के साथ कपल बनने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखकर सारान स्माइल करता है। फिर हमें प्राण और मिंग दिखाए जाते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि एमुलेट जिस किसी के पास होगा वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। बट एमुलेट को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए पंडितों ने मिलकर और मंत्र पढ़कर उसे छुपा दिए हैं। प्राण को ताकरूट एमुलेट मिल गया है, बट अभी भी बाकी एमुलेट ढूंढने के लिए बचे हैं, जिसमें इन्हें सोंगलिन की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सारान और सोंगलिन को देखते हैं जो कि एक रिच GFPF बनकर मुंह के कसिनो में जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ये कसिनो मुंह के एक आदमी कांग संभालता है। क्लब में एक आदमी सोंगलिन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सारान सोंगलिन को बचा लेता है। सारान की फाइट देखकर कांग को उस पे शक होता है। वहीं दूसरी तरफ सोमबन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है कि तभी एक आदमी आकर उसे शूट कर देता है। बट यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सोमबन को कुछ भी नहीं होता, वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। बट कुछ टाइम बाद वो आदमी अचानक से मर जाता है। सोमबन कुछ तो छुपा रहा है जो चीज़ उसे लोगों से बचा रही है, बट यहाँ हमें ये चीज़ अभी नहीं बताई जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सोंगलिन और सारान दिखते हैं, जहाँ वो क्लब से निकलकर घर जा रहे होते हैं। सारान यहाँ सोंगलिन के लिए डोर ओपन करता है, जिस पर सोंगलिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो उसकी रियल GF नहीं है, उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर सारान कहता है कि शायद वो अपनी नकली GF के लिए कुछ फील करने लगा है। तभी सोंगलिन को एक बफेलो की स्पिरिट दिखती है जो उन पे अटैक कर देती है। उनके प्रोटेक्शन की वजह से वो दोनों बच जाते हैं और वो बफेलो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है।
यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये स्पिरिट मू ने भेजी थी अपने मास्टर से कह के। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि सारान के पास भी एक एम्यूलेट है जो उसे भूतों से बचाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे घर में देखते हैं। एंड गाइस, गेस व्हाट, नहीं पता, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। तो यहाँ हमारे सारान भाई साहब तो सोंगलिन के सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। सोंगलिन जैसे ही उसे किस करती है तभी उसकी नींद खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सोंगलिन भी सारान के बारे में ही सोच रही होती है और स्माइल करती है, जिसे देखकर उसके पापा उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि कोई तो पुलिस ऑफिसर के बारे में सोच रहा है। जिस पर सोंगलिन कहती है कि पापा, आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोमबान को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह फूड डोनेट कर रहा होता है। तभी एक लड़का उससे काम मांगता है और उसे अपनी आईडी दिखाता है। सोमबान उससे कहता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी से मिलती है और जो लोग भी सैटरडे 5th ऑफ वैक्सिंग मून, या फिर आप कह सकते हो हाफ मून में पैदा होते हैं, वो लोग कुछ स्पेशल होते हैं, और उसे काम पर रख लेता है। फिर हमें सोंगलिन दिखती है जहां प्राण उससे मिलने आता है, जो कहता है कि वो एमुलेट ढूंढ रहा है जो बहुत पावरफुल है, जिसे पंडितों ने छुपा दिया है। अगर तुम इसमें मेरी हेल्प करो तो मैं भी तुम्हारी मॉम की हेल्प करूंगा उन्हें ठीक करने में। यहाँ प्राण उसे एक ग्लासेस देता है जो लिविंग बींग के ऑरा दिखाती है, बट सोंगलिन की मॉम का ऑरा गायब होता है, जिससे ये पता लगता है कि वो जिंदा हैं, बट अभी उनकी सोल उनकी बॉडी में नहीं है। प्राण सोंगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सोमबान की फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ वही लड़का जो रिसेंट ही वहाँ काम पर गया था टॉप फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद वो पॉजेस था, बट अभी यहाँ हमें कुछ भी बताया नहीं जाता कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ हम सैक को देखते हैं जो दाव के साथ होता है, जो कि उनकी एक टीममेट है, और ड्रग फाइट में उसी के वीएफ की डेथ हो गई थी। गिल की वजह से सारान दाव की हेल्प करता है, बट हम व्यूअर्स देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं दाव सारान में इंटरेस्ट ले रही है। और हमें ये भी पता लगता है कि दाव किस दिनों के लिए नांगबाग में ही रहेगी। वहीं हमें सोंगलिन दिखती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और प्राण के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि उसे प्राण पे भरोसा नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ गांव के लोग आकर सोंगलिन को हेल्प करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक घर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ कोई भूत है। वेल, भूत का नाम सुनकर सोंगलिन बहाने करने लगती है, बट गांव वाले उसे ज़बरदस्ती वहां ले जाते हैं। सोंगलिन अपने फ्रेंड के साथ जब अंदर जाने वाली होती है कि तभी वहां सारान भी आ जाता है, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी थी। तभी सोंगलिन को याद आता है कि सारान के पास कुछ तो है जो उसे भूतों से बचाती है, बट अंदर जाने से पहले वो सारान को कोई भी वुडन चीज जो उसके पास है उसे बाहर ही छोड़ने के लिए कहती है, ताकि वो घोस्ट से भूत से बात कर सके। बट जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अचानक से एक घोस्ट सोंगलिन का हाथ पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। Stay safe and healthy. Bye-bye.